तो दोस्तों अगर आपने जियो फाइबर सेटअप बॉक्स को अपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करके रखा हुआ है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप स्मार्ट टीवी में जियो सेटअप बॉक्स का जो भी डाटा होता है, चाहे वो कनेक्शन से रिलेटेड हो, अगर आपने कोई रिचार्ज किया है उसका बैलेंस अगर देखना हो, कौन कौन सा डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, क्या हिस्ट्री है, ये टोटल चीज आप स्मार्ट टीवी में देख सकते हैं। आपको मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे स्मार्ट टीवी को ओपन कीजिएगा तो जियो सेटअप बॉक्स का जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको जियो सेटअप बॉक्स को स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करके ओपन कर लेना है। होम गेटवे इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ऊपर में, सबसे ऊपर में आपको चले जाना है। ऊपर में जाने में काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो ऊपर में इस प्रकार से आप स्क्रॉल करें और आपको जो अकाउंट वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका माई जियो एप्लीकेशन कुछ देर में यहाँ पे इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। फर्स्ट बार ओपन कीजिएगा और ओपन करें ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। ऊपर में आपको होम, सेटिंग और हेल्प वाला ऑप्शन मिलेगा। आपको जाना है होम वाले ऑप्शन में। होम वाले ऑप्शन में जाने में नीचे स्क्रॉल करना है, जियो फाइबर वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि आपने अभी कौन सा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिया है, वो आपको दिख जाएगा और जितनी भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो प्लान है वो भी आपको यहाँ पे इसी में दिख जाता है। तो चलिए मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अनलिमिटेड डाटा वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कितना डाटा आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो दिखेगा और किसी को कॉल किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था और कौन सा प्लान चल रहा है वो आप यहां से भी देख सकते हैं। देन उसके बाद यहां पे आप देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखेगा, 1908 रुपये यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरा यहां पे एडवांस पेमेंट करके रखा वो दिख रहा होगा। बाकी पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे पे बिल पर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। नीचे जैसे आप यहाँ पे जाइएगा तो नीचे में और भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको माई डिवाइस वाला ऑप्शन मिलेगा और पेमेंट हिस्ट्री वाला ऑप्शन मिलेगा। तो पेमेंट हिस्ट्री पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो भी आप यहाँ पेमेंट करते हैं वो पेमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। कब कब आपने पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा। नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर मिलेगा और माई डिवाइस पर जैसे क्लिक करूँगा तो माय डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको जियो फाइबर का होम गेटवे देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे वाईफाई पेयर डिवाइस देखने को मिलेगा। तो आपके वाईफाई से कौन कौन सा डिवाइस पेयर किया वो देखने को मिलेगा। किसी को ब्लॉक करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ब्लॉक कर सकते हैं। ये ब्लॉक वाला ऑप्शन मिल जाता है, सिलेक्ट कर ले उस डिवाइस को और आप यहाँ से ब्लॉक कर दें तो उस डिवाइस में वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा। ये देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट करके रखा हुआ है और जिसको ब्लॉक करेंगे वो आप यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट में देख सकते हैं। वाईफाई सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज पासवर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा और इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।